दोस्तों, दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। दिल्ली में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब दिल्ली को नई सीएम के रूप में आतिशी मिलने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज आतिशी के सिर अब सजने जा रहा है। आतिशी ने अपने कई समकक्ष और वरिष्ठ नेताओं को मुख्यमंत्री के रेस में पीछे छोड़ दिया। इसके पीछे की बड़ी वजह काम के साथ अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद होना है, जिसका उन्हें इनाम मिला है। केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार की बजाय आतिशी सरकार कहलाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया क्या रोल प्ले करेंगे। क्या वो पर्दे के पीछे से कोई बड़ी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा प्लान है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल से लेकर सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि पर सवालिया निशान खड़े कर रही थी। जेल से जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया तो सिसोदिया ने भी सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। आतिशी को दिल्ली की सत्ता की कमान सौंपने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया खुलकर सियासी पिच पर उतरने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 के बजाय नवंबर 2024 में कराने की मांग उठाई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में कराने के बजाय इसी साल नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही कराया जाए। जरा सुनिए केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है। अभी अभी जेल से रिहाई होके आई है, आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों में केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी, लंबे समय तक जेल में रहने के चलते आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है।
केजरीवाल और सिसोदिया अब किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसे में आप संगठन को मजबूत करने के साथ साथ चुनावी राज्यों पर खास फोकस रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव को अपने ध्यान में रखकर कार्यकर्ताओं को उत्साह करने और जनता के बीच विश्वास बहाल करने पर पूरा जोर लगाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।